देखते हैं अब विस्तार से। तो देश में आपातकाल लगाए जाने के 48 बरस पूरे हो चुके हैं। 25 जून 1975 की आधी रात को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया था और यह 21 महीनों तक चला था। आपातकाल के दौरान आम नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए। राजनीतिक विरोधियों पर मीसा यानी कि आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम के तहत कार्रवाई होती थी। आज जब कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या के आरोप लगा रहे हैं, तब इस मौके पर बीजेपी ने भी कांग्रेस और उसके सहयोगियों को आईना दिखाया है। इतना ही नहीं, एमपी में बीजेपी ने पूर्व सीएम कमलनाथ को आपातकाल का प्रमुख किरदार भी करार दिया है। 25 जून 1975, ये तारीख भूल से भी नहीं भुलाई जा सकती। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ये तारीख काले अक्षरों में दर्ज है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 की रात को देश में आपातकाल लागू कर दिया था। एक झटके में देशवासियों से सारे अधिकार छीन लिए गए। एक व्यक्ति का शासन देश में लागू हो गया, वो जिसे चाहे उसे गिरफ्तार कर रहे थे। आज जब आपातकाल के 48 साल पूरे हुए हैं, तो कांग्रेस और उसके सहयोगियों को बीजेपी आईना दिखा रही है। इस मौके पर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कमलनाथ को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कमलनाथ को आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की हत्या का प्रमुख किरदार बताया। मुझे ये बताने में आज इस काले दिन मैं कोई संकोच नहीं है, बल्कि मैं गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि देश की लोकतंत्र की हत्या करने में इंदिरा गांधी, उनके बेटे संजय गांधी ने जो भूमिका निभाई थी, दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान कमलनाथ श्रीमान संजय गांधी जी के साथ उस लोकतंत्र की हत्या करने के प्रमुख किरदार की भूमिका में उस समय थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि जो इस अन्याय के विरुद्ध डटे रहे, उन्हें काल कोठरी के अंधेरों में ठूंस कर चुप कराने का क्रूरतम प्रयास किया गया। लगे हाथ बीजेपी ने पटना में विपक्षियों की महाबैठक और साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर भी बड़ा प्रहार किया। भोपाल में बीजेपी नेता तरुण चुघ ने कहा कि आपातकाल के दौरान जिन पर सबसे ज्यादा जुल्म किए गए, जिन्होंने कांग्रेस की सत्ता के खिलाफ अपनी राजनीतिक शुरुआत की, जयप्रकाश और राम मनोहर लोहिया के वो कथित शिष्य सत्ता की भूख में कांग्रेस के साथ आ गए हैं। जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत लोकतंत्र को बचाने के लिए की थी और जिन पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ था, वो विडंबना है कि वो जयप्रकाश नारायण जी के सो कॉल्ड, राम मनोहर लोहिया जी के सो कॉल्ड शिष्य सत्ता लिप्सा के खेल में, सत्ता की भूख में, मृग तृष्णा में फिर उसी गांधी नेहरू अत्याचारी परिवारवादी वंशवादी भ्रष्टाचारी परिवार के चरणों में लेट रहे हैं। उधर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी आज की बात करे, आपातकाल एक सपना था जो खत्म हो चुका है। ये झूठ की मशीन है भारतीय जनता पार्टी। आप 1975 की बात मत करिए, आप तो 2004 से लेकर 2023 की बात करिए। जो मध्य प्रदेश को क्षति हुई है भ्रष्टाचार को लेकर, चारित्रिक पतन को लेकर, सामाजिक पतन को लेकर, राजनीतिक मूल्यों को लेकर, और जो फटीचर लोग आज बेशकीमती गाड़ियों में बैठ के घूम रहे हैं, उस पर बात कीजिए। आपातकाल तो एक सपना था, वो खत्म हो चुका है। कांग्रेस और उसके कई सहयोगी दल लगातार केंद्र सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन आपातकाल के 48 साल पूरा होने के मौके पर बीजेपी ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों को वो वक्त याद दिलाया है जब सत्ता के लिए लोकतंत्र की हत्या की गई थी। लेकिन अहम बात यह है कि एमपी में बीजेपी ने कमलनाथ को इसका अहम किरदार बताकर सियासी पारा चढ़ा दिया है। शैलेंद्र के साथ वासु चौरे, न्यूज 18, भोपाल। इधर छत्तीसगढ़ में चुनावी साल जनता के सामने हिंदुत्व पर बड़ा सवाल लेकर आया है। वोटर्स के सामने इस बार सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी हिंदुत्व की अपनी परिभाषा लेकर जाने की तैयारी में है।
कांग्रेस ने यह ऐलान कर दिया है कि हिंदुत्व बीजेपी की बपौती नहीं, हिंदुत्व की जो परिभाषा बीजेपी करना चाहती है वो हिंदुत्व नहीं बल्कि कांग्रेस हमेशा से हिंदुत्व के रास्ते पर ही रही है। चुनाव से पहले तेरा हिंदुत्व मेरा हिंदुत्व की गूंज सुनाई देने लगी है। चुनावी साल में हिंदुत्व का सवाल सियासी दलों के एजेंडे में सबसे ऊपर नजर आ रहा है। बात छत्तीसगढ़ की करें तो एक तरफ जहां बीजेपी का हिंदुत्व राग है वहीं कांग्रेस भी हिंदुत्व के रास्ते पर बढ़ चली है। रायपुर में कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से हिंदुत्व के रास्ते पर ही रही। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हिंदुत्व के नाम पर लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी ने धर्म के नाम पर धंधा किया। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व पर केवल बीजेपी का अधिकार नहीं है। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि महात्मा गांधी से बड़ा हिंदू कोई नहीं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस महात्मा गांधी के रास्ते पर चल रही है। बीजेपी ने हिंदुत्व और हिंदुत्व धर्म के नाम पर धंधा किया है। जो विश्व बंधुत्व का उद्घोष, वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र और सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना करता है वह हिंदुत्व कांग्रेस की बुनियाद में रहा है और छत्तीसगढ़ में आज भी उसको देखा जा सकता है। इसलिए ये कहना कि हिंदुत्व पर केवल भाजपा का अधिकार है, मुझे लगता है इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं हो सकता। उधर विश्व हिंदू परिषद की बैठक रायपुर में चल रही है। बीजेपी के साथ साथ वीएचपी भी सरकार को घेरने की बड़ी रणनीति तैयार कर रही है। एजेंडा धर्मांतरण, लव जिहाद, गौहत्या और मंदिरों पर सरकारी कंट्रोल जैसे मुद्दों को लेकर वीएचपी ने अभियान चलाने का फैसला लिया है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद की सबसे बड़ी योजना बजरंग दल की शौर्य यात्रा के जरिए हिंदुत्व का अलख जगाने की है। 31 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक सारे देश में बजरंग दल बड़ी शौर्य यात्राएं निकालेगा। ये शौर्य यात्राएं प्रांत के स्तर पर मुख्यतः होंगी, कहीं कहीं विभाग के स्तर पर होंगी और भारत के जितने ब्लॉक्स हैं, प्रखंड हैं, उन सब ब्लॉक्स तक ये शौर्य यात्राएं जाएंगी। कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ने की बात तो होती रहती है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ये दावा कर रही है कि हिंदुत्व सॉफ्ट या हार्ड नहीं होता, हिंदुत्व तो हिंदुत्व होता है और कांग्रेस का रास्ता ही हिंदुत्व है। माना जा रहा है बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे का काउंटर करने के लिए अब कांग्रेस ने भी अपनी अलग परिभाषा के तहत खुद को हिंदुत्व का पुरोधा बताना शुरू कर दिया। बहरहाल देखना होगा कि इसका चुनावी फायदा कितना मिलता है। युगल तिवारी और तनु वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 रायपुर। चलिए अब बात करते हैं उस जीत की जिसने भारतीय क्रिकेट को नई दिशा दी, बात उस जीत की जिसने दुनिया ने देखी भारत की ताकत, बात उस जीत की जिस पर हर भारतीय को गर्व है। तिरासी की कहानी 40 साल पुरानी, उस कामयाबी के 4 दशक जब दुनिया ने देखी भारत की धमक। June 25, 1983 इंग्लैंड लॉर्ड्स का मैदान, विश्व कप का फाइनल मुकाबला भारत बनाम वेस्ट इंडीज। भारतीय क्रिकेट के लिए आज का दिन बेहद खास है, या यूं कहें कि आज के ही दिन से भारतीय क्रिकेट के एक नए युग की शुरुआत हुई थी। आज से 40 साल पहले आज ही के दिन यानी 25 जून 1983 को टीम इंडिया ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। भारत ने दुनिया को चौंकाते हुए वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। कपिल देव की कप्तानी में भारतीय टीम ऐसा खेली कि फाइनल मुकाबले में विश्व विजेता वेस्टइंडीज को हराकर वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। ये जीत इसलिए भी खास थी क्योंकि वेस्टइंडीज को हराना, वो भी फाइनल में, उस दौर में सबसे कठिन काम था क्योंकि उस समय वर्ल्ड क्रिकेट पर वेस्टइंडीज का दबदबा था। कपिल देव की रणबांकुरो ने उस कैरेबियाई टीम को फाइनल में मात दी थी जो 2 वर्ल्ड कप जीत चुकी थी और लगातार तीसरी बार
फाइनल खेल रही थी। उस समय वेस्टइंडीज गेंदबाजों का इतना खौफ था कि बल्लेबाज इन खतरनाक गेंदबाजों के सामने आने से घबराते थे। उस दौर में वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की तूती बोलती थी और उनका सामना कर पाना बड़े बड़े बल्लेबाजों के लिए मुश्किल था। भारतीय टीम जब वर्ल्ड कप खेलने इंग्लैंड पहुंची तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये टीम इतिहास रच देगी। हालांकि टीम इंडिया के कप्तान कपिल देव को अपनी टीम पर पूरा भरोसा था। इस टूर्नामेंट में भारत भले ही किसी भी हैसियत से नहीं उतरा था, लेकिन विश्व कप जीतकर कपिल एंड कंपनी ने हर भारतीय का सीना चौड़ा कर दिया। भरोसा, संसाधन और ना जाने कितनी कवियों के बीच विश्व विजेता बनना उतना आसान नहीं था। आइए एक नजर भारत के विश्व विजेता बनने तक के सफर पर। भारत ने पहले मैच में वेस्टइंडीज को 34 रनों से हराया था। भारत ने दूसरे मैच में जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हराया। तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया से 162 रनों से मिली हार। चौथे मैच में वेस्टइंडीज से 66 रनों से हार मिली। पांचवे मैच में जिम्बाब्वे को 31 रनों से हराया। छठवें मैच में ऑस्ट्रेलिया से बदला लिया। सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराया और फाइनल में वेस्टइंडीज को 43 रनों से हराया। फाइनल मैच में बल्लेबाजी में फ्लॉप होने के बाद अक्सर जब स्कोर कम होता है तो गेंदबाजों के कंधे झुक जाते हैं, लेकिन कपिल देव की उस टीम ने हार नहीं मानी थी। कपिल देव, सुनील गावस्कर, कृष्णामाचारी श्रीकांत, रवि शास्त्री, यशपाल शर्मा, संदीप पाटिल, सैयद किरमानी, बलविंदर संधु, मदन लाल, रोजर बिनी, मोहिंदर अमरनाथ, कीर्ति आजाद, ये वो नाम है जिन्हें पूरा देश कभी भुला नहीं सकता, क्योंकि इस टीम ने दिखा दिया था कि हारी हुई बाजी को कैसे अपने नाम किया जाता है। उस ऐतिहासिक जीत का असर और उसका महत्व बताता है कि आज 4 दशक के बाद भी हम उस जीत को याद कर रहे हैं। 83 की उस जीत ने भारतीय क्रिकेट को एक नई दिशा दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 तारीख को मध्य प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं और आने वाले हैं तो इस दौरान कई सारे कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं और इसी के दौरान देश से सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारी को दूर करने के लिए एक फॉर्मूला लागू वो करने वाले हैं। खास बात यह है कि ये फॉर्मूला तैयार किया है भोपाल के एक डॉक्टर दंपति ने। आइए एक स्पेशल रिपोर्ट इस पर आपको दिखाते हैं। सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारी के खिलाफ सबसे बड़ा मिशन शुरू होने जा रहा है मध्य प्रदेश से। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को शहडोल से इस मेगा मिशन की शुरुआत करेंगे। दरअसल शहडोल से इस मिशन की शुरुआत की एक बड़ी वजह है, आदिवासी इलाकों में सिकल सेल बीमारी बड़ी समस्या है, लिहाजा इस बड़े अभियान की शुरुआत आदिवासी बहुल इलाके से की जा रही है। अभियान के तहत कई राज्यों में करीब 7 करोड़ आदिवासियों का ब्लड टेस्ट किया जाना है और इसी आधार पर एक कार्ड उन्हें दिया जाएगा। ये कार्ड एक प्रकार का जेनेटिक कार्ड होगा जो बताएगा कि किसके जीन सिकल सेल वाहक हैं और किस जीन या जेनेटिक कार्ड वाले व्यक्ति से शादी करने पर होने वाली संतान में सिकल सेल के लक्षण नहीं रहेंगे। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया रहेगी जिसे लगातार अपनाने पर बीमारी का समूल नाश हो सकेगा। एक्चुअली में ये रक्त कुंडली जो नाम है ये तो जनरल लोगों के लिए है, वैसे साइंटिफिक नाम इसका जेनेटिक इनहेरिटेंस प्रिडिक्शन काउंसलिंग आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, जिप्सी कार्ड भी इसको हम कहते हैं, तो ये जेनेटिक इनहेरिटेंस प्रिडिक्शन का एक कार्ड है। दरअसल सिकल सेल के खिलाफ ये फॉर्मूला तैयार किया है भोपाल के एक डॉक्टर दंपति ने। निशांत नंबीसन और स्मिता नंबीसन ने लंबे वक्त की रिसर्च से खास कार्ड तैयार किया है। इस कार्ड को रक्त कुंडली या फिर जिप्सी कार्ड कहा जा रहा है। इसकी मदद से सिकल सेल को रोकने में बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है। हम डिस्कशंस करते थे तो ये बताते थे कि जो ट्राइबल्स हैं उनको सिकल सेल की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम चाहते थे कि कोई ऐसा तरीका निकले कि वो जल्दी से जल्दी बेटर हो सकें, और हमको क्योंकि पता है कि अनुवांशिक हेरिडिटरी है ये बीमारी, तो हम चाहते थे कि कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकलना चाहिए जिससे इसका इरेडिकेशन हो जाए, उन्मूलन हो जाए, और वो उसी लेवल पे हो सकता है जब जीन्स पे जाके काम किया जाए। तो जीन्स पे जाके काम करने का मतलब है कि ये हमें शिशु के पैदा होने के पहले ये काम करना होगा।
अकेले मध्य प्रदेश में 20 लाख आदिवासी सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के तमाम आदिवासी बाहुल्य राज्यों में सिकल सेल बीमारी की चपेट में कई नवजात आ जाते हैं। इस बीमारी का इलाज भी नहीं है, लेकिन सरकार ने 2047 तक सिकल सेल मुक्त भारत का टारगेट रखा है और भोपाल के डॉक्टर दंपति का ये फॉर्मूला इसमें बेहद कारगर साबित हो सकता है। शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज 18, भोपाल। एक और बड़ा मामला, दमोह में लव जिहाद मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। हिंदू बनकर कर्नाटक के मुस्लिम युवक ने युवती को तावीज पहनाया। मामले का खुलासा होने के बाद हिंदू संगठन ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। देखिए रिपोर्ट इस पर। दमोह के लव जिहाद मामले में ताबीज कनेक्शन सामने आया है। कर्नाटक के मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर युवती को ताबीज पहनाया था। पीड़िता ने हिंदू संगठन के लोग से बातचीत में इस बात का खुलासा किया। ताबीज खोलने पर अंदर में कुछ उर्दू या अरबी भाषा में लिखा है। हिंदू संगठनों के मुताबिक युवक ने काला जादू करने के लिए युवती को ताबीज पहनाया था। अब हिंदू संगठन के लोगों ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मुस्लिम लड़के ने अपना हिंदू नाम बताकर उस लड़की को प्रेम जाल में फंसा लिया और प्रेम जाल में फंसा कर उस लड़की को एक ताबीज पहनाया। जो ताबीज को हम लोगों ने अभी यहाँ दमों में खोला है उसमें कुछ अरबी उर्दू भाषा में कुछ लिखा हुआ, वो तो अपन नहीं जानते, परंतु उस हमारी हिंदू बहन ने बताया है कि भैया वो हमें किसी दरगाह पे ले गए थे, वहाँ पे किसी उनके जो भी मुस्लिम के जो भी होते हैं उनने पहनाया था। और बाद में मतलब उसके पहले थोड़े दिन पहले ही उसको पता चला था मुस्लिम है और जान बचा के बड़ी मुश्किल से वो लड़की यहाँ तक आ पाई। तो हम लोग के जैसे ही संपर्क में आई तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने पुलिस अधीक्षक महोदय से मांग कर इस पे FIR दर्ज कराई और आगे जो भी कार्रवाई है वो पूर्ण रूप से कराई। आपको बता दें कि दमोह की एक युवती कर्नाटक में लव जिहाद की शिकार हुई थी। पीड़िता ने परेशान होकर एक मुस्लिम युवक के खिलाफ दमोह के महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता के मुताबिक उसे कौशल विकास केंद्र के जरिए बेंगलुरु की एक कंपनी में नौकरी मिली थी, जहां उसने पूरे एक साल काम किया। इस दौरान उसकी पहचान एक राजा नाम के युवक से हुई थी। युवक उसके साथ मंदिर जाता था और हिंदू रीति रिवाज से पूजा करता था, जिससे उसे लगा कि वो हिंदू है लेकिन असल में वो मुस्लिम था। चलिए बढ़ते आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे तो कई सारे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, लेकिन उनके दौरे के पहले एक गांव बड़ा चर्चा में है, क्योंकि ये कोई आम गांव नहीं है बल्कि महिला सशक्तिकरण को लेकर मिसाल इसने कायम की है। गांव का नाम है पकरिया, जहां की कमान सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के हाथ है। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर मध्य प्रदेश में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, खास इंतजाम किया जा रहा है, तमाम तैयारियां जारी हैं। लेकिन इसके पहले एक गांव की बड़ी चर्चा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के जिस गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय समुदाय के साथ वक्त बिताएंगे वो गांव महिला सशक्तिकरण को लेकर पूरे प्रदेश में एक मिसाल पेश कर रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री 27 जून को जब शहडोल जिले के दौरे पर होंगे तो लालपुर में सभा करने के बाद पीएम मोदी पकरिया गांव पहुंचेंगे। यहां प्रधानमंत्री जनजातीय समुदाय के प्रमुख लोगों से चर्चा तो करेंगे ही, साथ में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आजीविका मिशन द्वारा संचालित समूहों के माध्यम से लखपति बहनों से संवाद स्थापित करेंगे। बता दें कि पकरिया गांव महिलाओं को उनका अधिकार देने में काफी आगे है। एक ओर जहां पंचायत की कमान महिलाओं के हाथ है, वहीं दूसरी तरफ गांव में 200 से ज्यादा लखपति बहने हैं। दरअसल बुढ़ार जनपद अंतर्गत आने वाले पकरिया पंचायत की वर्तमान सरपंच एक जनजातीय समुदाय की महिला है। वहीं गांव की जनता ने ग्राम पंचायत में उप सरपंच का दायित्व भी महिला को सौंप रखा है। सरपंच गेंदबाई बैगा लगातार 5 साल सरपंच रही और इसके बाद वे दोबारा गांव की कमान संभाल रही हैं। वहीं उप सरपंच रेखा दीपक चौधरी भी वर्तमान और पिछले पंच वर्ष से निर्विरोध उप सरपंच का दायित्व निभाती चली आ रही है। देश दुनिया छोड़ के हमारे गांव पकरिया में मोदी जी आ रहे हैं। 20 पंचों में 13 महिला पंच है। मैं खुद उप सरपंच हूँ और ये सरपंच है। हमारे यहाँ मोदी आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है और खासकर महिला के लिए आ रहे हैं। महिला लोग बहुत उसको करते हैं अच्छा, और यहाँ आएंगे हमारे आदिवासी घर में खाना भी खाएंगे, यहाँ बैठेंगे भी, फोटो भी खिंचवाएंगे, बहुत अच्छा कहेंगे। हम लोग सब महिला हम बहुत खुश उनके आने से। अब आपको पकरिया ग्राम पंचायत के बारे में बताते हैं, जहाँ की आबादी लगभग 5,000 के आसपास है।
इसके अंतर्गत जल्दी टोला, समदा टोला, सरकारी टोला समेत अन्य मोहल्ले आते हैं। गांव में मतदाताओं की संख्या 2250 है और यहां पर 20 वार्ड हैं, जिनमें से 13 में पंच पदों पर महिलाएं चुनकर आई हैं और इनमें भी 4 वार्ड ऐसे जहां पर महिलाएं निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। इसके अलावा पकरिया ग्राम पंचायत के समदा टोला, जल्दी टोला और सरकारी टोला में रहने वाली 442 महिलाएं आजीविका मिशन के साथ जुड़कर चौका बर्तन के साथ ही स्वरोजगार कर रही हैं। साथ ही ग्राम पंचायत में 39 समूहों का गठन किया गया है। इन समूहों के साथ मिलकर काम करने वाली लगभग 200 महिलाएं लखपति बन चुकी हैं। शहडोल संभाग के पकरिया गांव में माननीय प्रधानमंत्री जी के आने से बहुत ही प्रसन्नता का माहौल है ग्रामीणों में। और पकरिया की खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां महिलाओं का बहुमत है ग्राम पंचायत में, सरपंच भी महिला ही है, उप सरपंच भी महिला है और सैकड़ों महिलाएं यहाँ की ऐसी हैं जिन्होंने स्व सहायता समूह से जुड़कर जो लखपति बहिना में शुमार होती हैं, उन्होंने जो व्यवसाय हाथ में लिया है उसको इतने अच्छे ढंग से, इतनी कुशलता से कर रही हैं कि वो गरीबी से निकलकर और समृद्धि के रास्ते पर हैं। वाकई पकरिया नाम की ये ग्राम पंचायत सचमुच में महिला सशक्तिकरण की जीती जागती मिसाल है और जल्द ही प्रधानमंत्री खुद यहां आकर महिला सशक्तिकरण के लिए पूरे देश को संदेश देंगे। जाहिर है इस खबर के बाद ग्राम पंचायत देश भर में चर्चा में आ जाएगी, लेकिन फिलहाल तो ग्रामवासी पलक पावड़े बिछाकर अपने प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। सौरभ शुक्ला, न्यूज 18, शहडोल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।